बजाते रहो। हमारे साथ हैं मैडम। नमस्कार, मैं प्रिंसिपल लिटिल फ्लावर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मिसेस नीता दुआ। ये जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसके बारे में आपसे थोड़ी बातचीत करते हैं। और सबसे पहला सवाल यही है कि 5+3+3+4 कैसे देखते हैं आप इस फॉर्मेट को? नर्सी केजी को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया था गवर्नमेंट, लेकिन इस पॉलिसी में नर्सी केजी पर ही वर्कआउट हो रहा है और जो होना चाहिए था। तो 1-5 तो आपका हो गया ये क्लास नर्सी केजी फर्स्ट सेकंड, फिर इसके बाद आ रहा है 3rd, 4th and 5th स्टैंडर्ड। बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी का, लर्निंग आउटकम्स का, अगर एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो उस चैप्टर में आप 4 ही चैप्टर रखो पूरा ईयर, 5 चैप्टर रखो, उस चैप्टर में ही आप और स्किल्स आप डिस्कस करो बच्चे से, लर्निंग आउटकम्स पे ही वर्कआउट करना है। नेक्स्ट है 3, 6-8 कैरिकुलम सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे आपको। जो सब्जेक्ट्स नहीं होते थे तो उनको भी स्किल सब्जेक्ट्स बोलते हैं। वो स्किल सब्जेक्ट्स मेरे स्कूल में भी नहीं है, मैं भी इंट्रोड्यूस करूंगी क्लास 6 में। वो स्किल सब्जेक्ट्स को भी मार्क्स दिए जाएंगे। म्यूजिक को मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, अगर बच्चा म्यूजिक में पार्टिसिपेट कर रहा है तो मार्क्स नहीं मिल रहे, फिजिकल एजुकेशन में कर रहा है तो मार्क्स नहीं मिल रहे। लेकिन 6-8 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है कि इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी। अब नेक्स्ट जो है आप 9-12 4 इयर्स, तो बच्चा जो था वो अपने पेरेंट्स की बिल पे डिपेंड करता था कि उसे क्या बनना है, लॉयर बनना है तो बच्चा, पापा लॉयर है तो बच्चा लॉयर बनेगा। 10th में 11th 12th में जब बच्चा 8 पास करेगा तो उसके पेरेंट टीचर स्टूडेंट तीनों के सामने ये है कि बच्चे ने ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इसमें। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी पढ़ेगा, कॉमर्स के भी पढ़ेगा और साइंस के। कई लोगों ने अपोज भी किया था जब हम इसमें डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगा था, कह रहे भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है, बच्चे का फोकस होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उसकी नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि ये बोल रहे थे कि डिग्री कोर्स में बच्चा अगर उसने डिटेल ही पढ़ा फिजिक्स केमिस्ट्री पाया तो उसकी नॉलेज कम हो जाएगी, ये है इसमें पॉइंट एक आ रहा था। और मैम, पढ़ाई को अपनी मातृभाषा में जो शुरुआत की पढ़ाई है, इसके बारे में क्या सोचना है आपका? सिर्फ इसका जो प्रैम्बल है हमारा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, वो फर्स्ट पेज बोलता है कि सारी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक पीपल All people जो है belongs to any caste, creed, religion and language, all are the equal the eyes of the government and law. लेकिन यहाँ education में discriminate आता है language के कारण। अगर एक IAS officer बनना चाहता है वो बच्चा है तो उसको करना language आती है, उसका content matter ही कम हो जाता है अगर उसे English नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप regional language को भी दो और अदर लैंग्वेज को भी दो, जो रीजनल लैंग्वेज है उसको रिस्पेक्ट मिली। मैं इस आइडिया को थम्स अप करना चाहती हूँ। और जो ग्रेजुएशन का पूरा फॉर्मेट चेंज हुआ है उस पर क्या कहना है आपका? गवर्नमेंट ने ना इसको जॉब ओरिएंटेड कर दिया ज्यादा, फिर ये वही वाली बात निकल के आएगी, बाद में नॉलेज नहीं है बच्चे को, वो तो एक साल पढ़ के निकल जाएगा, नौकरी ढूंढने लग जाएगा। जैसे हमारे यहाँ 12th पास करके एनटीटी टीचर करके आता है और सीधा नर्सिंग वाली, उसकी नॉलेज कम होती, ग्रेजुएशन कोर्सेज ही नहीं करे होते, उसकी एज इतनी कम होती कि वो बहुत अच्छा लर्निंग आउटकम्स नहीं दे पाता क्लास में। तो मुझे इतना आइडिया ये अच्छा नहीं लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। तो ये एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस नीता दुआ हमसे बात करते हुए, और एक गवर्नमेंट स्कूल से भी हमारे साथ कोई जुड़ने वाले हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे फॉर्मेट के बारे में, इस नई पॉलिसी के बारे में। रेड एफएम पर मैं रौनक बजाते रहो, जनता को क्या कहना है टैग कर सकते हो आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर, आपका जो भी पॉइंट है बताओ ना। गुड मॉर्निंग, मैं रौनक। 95.5 रेड एफएम बजाते रहो।